हाँ जी, तो नेक्स्ट हमने थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स हैं विच कैन गिव एच पॉजिटिव आयंस, विच कैन गिव एच पॉजिटिव आयंस। बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि जो एच पॉजिटिव आयंस देते हैं वो होते हैं एसिड। अब जो एसिड है वो दो तरह के हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक हैं वीक एसिड्स। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? जो डिसोशिएट करते हैं कम्प्लीटली, डिसोशिएट्स कम्प्लीटली। डिसोशिएट मतलब टूटना, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल HCl में एक्वास ले रही हूँ, तो वो एक्वास मीन्स उसमें वाटर है, H पॉजिटिव एक्वास प्लस Cl नेगेटिव एक्वास। अदरवाइज HCl एक्वास की जगह मैं अगर वाटर ले लूँ साथ में, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, एक्वास। अब यहाँ पे देखो HCl जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट कर गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो इस एसिड का नाम पता ही है हमें, दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद सेकेंड एसिड इज़ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ये दो एच पॉजिटिव देता है एक्वास, टू एच पॉजिटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव। तो अगर मैं H2SO4 में किस वाटर डालती हूँ 2H2O, देन इट गिव्स 2H3O पॉजिटिव प्लस SO4 टू नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हमारे पास HCl है ये एक ही H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये जो HCl है इट इज़ मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड मीन्स मोनो मीन्स वन, तो बेसिसिटी मीन्स कितनी इसकी बेसिसिटी। तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी ऑफ HCl, तो बेसिसिटी ऑफ HCl इज़ वन। क्यों वन है? क्योंकि एक ही H पॉजिटिव दे रहा है। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 जो है इट इज़ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक मीन्स ये दो H पॉजिटिव देता है, गिव्स 2H3O पॉजिटिव, दो H पॉजिटिव देता है, तो इट इज़ डाई बेसिक एसिड। ये नेक्स्ट हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, HNO3 इज़ अ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड अगेन एक्वास, इट गिव्स एच पॉजिटिव एक्वास प्लस NO3 नेगेटिव एक्वास। और HNO3 में वाटर डाल दो H2O, इट गिव्स यू H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, दिस इज नाइट्रेट आयन। ये नाइट्रेट आयन है, तो यहाँ पे ये एक H पॉजिटिव दे रहा है, ये एक H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये भी कौन सा एसिड है? मोनो बेसिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने बेसिसिटी भी आपको बता दी। ये हमारे पास है दिस इज सल्फेट आयन, दिस इज Cl नेगेटिव इज क्लोराइड आयन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जो डिसोशिएट करते हैं कम्प्लीटली, डिसोशिएट करके वो कितने H पॉजिटिव दे रहे हैं उस पर उसकी बेसिसिटी डिपेंड करती है। अगर एक H पॉजिटिव दे रहा है तो दैट इज़ मोनो बेसिक, दो दे रहे हैं तो दैट इज़ डाई बेसिक, तीन दे रहे हैं तो दैट इज़ ट्राई बेसिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक एसिड। वीक एसिड्स क्या है? वीक एसिड जो है विच डू नॉट डिसोशिएट्स कम्प्लीटली, विच डू नॉट डिसोशिएट्स कम्प्लीटली, जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करते। वीक एसिड्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करते। इसमें आ जाता है हमारे पास सबसे पहले एसिटिक एसिड, दिस इज़ योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं, सिरका जो हम घरों में यूज़ करते हैं। इसमें मैंने ये डबल एरो डाला क्योंकि ये CH3 एक्वास, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एक्वास एक्वास, ये वापस से ये बना रहे हैं, मतलब ये डिसोशिएट नहीं कर रहा। मतलब एसिटिक एसिड जो है वो एसीटेट आयन, एसीटेट आयन जो है ये कम्प्लीट नहीं बन रहा। कुछ एसिटिक एसिड भी पड़ा होगा, CH3COOH प्लस H2O, इट गिव्स यू CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट जो हमारे पास है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आपको पता है, कार्बोनिक एसिड हमारे पास जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, सोडा ड्रिंक्स, उसमें होता है, इट गिव्स यू 2H पॉजिटिव प्लस CO3 टू नेगेटिव, इट इज़ कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। H2CO3 में तुम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दो तो इट गिव्स यू 2H3O पॉजिटिव प्लस CO3 टू नेगेटिव, दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की, तो ये एक एच पॉजिटिव दे रहा है, सो इट इज़ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है, ये टू एच पॉजिटिव दे रहा है, तो इट इज़ डायबेसिक एसिड, राइट। तो ये है हमारे पास वीक एसिड्स। तो ये सबसे पहले एसिड्स, मैंने तुम्हें बता दिया कि एसिड्स कहते हैं, ये सब कुछ तो आपको पता ही है कि इनका सोर टेस्ट होता है, ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये तो जनरल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसिड जो है वो क्या होता है, इनका सोर टेस्ट है, ठीक है। और जितने भी एसिड्स हैं उसमें आयन्स हैं, तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो एसिड्स हैं, जितने भी एसिड, चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, वो एसिड्स चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस जो है ये क्या है, विच कैन गिव ओ एच नेगेटिव आयन, जो कि ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं, विच कैन गिव ओ एच नेगेटिव आयन्स। तो यहाँ पे बेस में भी हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, राइट, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है सेम जो कि करते हैं, डिसोशिएट करते हैं कम्प्लीटली, विच कैन डिसोशिएट्स कम्प्लीटली। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये डिसोशिएट करके Na पॉजिटिव एक्वास प्लस OH नेगेटिव एक्वास देता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वास, तो ये डिसोशिएट करके K पॉजिटिव एक्वास प्लस OH नेगेटिव एक्वास देता है। स्ट्रॉन्ग बेस के होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट कर देते हैं। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप वन में, ग्रुप वन के हैं सोडियम और पोटाशियम, तो ये इनको हम एल्कलीज भी बोलते हैं। आपको पता है एल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सोलिबल बेसिस। एल्कलीज क्या होते हैं, वाटर सोलिबल बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वीक बेसिस। तो वीक बेसिस क्या होते हैं, डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली, जो कि डिसोशिएट नहीं करते कम्प्लीटली, डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली, डिसोशिएट नहीं करते कम्प्लीटली। अब इसमें आ जाता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डिसोशिएट नहीं कर रहा कम्प्लीटली, तो यहाँ पे ये दे रहा है NH4 पॉजिटिव एक्वास प्लस OH नेगेटिव एक्वास, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव है हमारे पास अमोनियम आयन, ठीक है। ये है हमारे पास वीक बेस, ठीक है। अब जो बेस है वो क्या, उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है, कड़वे होते हैं। और जब तुम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक पैलेट हाथ में लोगे, उसमें थोड़ा सा पानी अगर लग जाए, तो वो हमारी स्किन को स्लिपरी लगते हैं। फॉर एग्जांपल सोप हैं, जो सोप जो है स्लिपरी होते हैं, बिकॉज वो बेसिस होते हैं, फील स्लिपरी टू स्किन, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया एल्कलीज हैं, और जो बेसिस होते हैं, बेसिस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। उसके बाद एसिड और बेसिस के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं जी, अगर हम एसिड प्लस बेस कर दें, इट गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। अगर तुम एसिड और बेस को मिक्स कर देते हो, तो तुम्हारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूँ HCl, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और साथ में मैं स्ट्रॉन्ग बेस लूँ, फॉर एग्जाम्पल NaOH, तो ये क्या है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये हमारे पास देगा NaCl प्लस वाटर, तो ये है हमारे पास सॉल्ट। तो यहाँ पे ये बनेगा नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, और जो हमारा रिजल्टिंग है ये सब न्यूट्रल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसने न्यूट्रलाइज कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस को। अगर हम अपना एसिड वीक ले लें, फॉर एग्जांपल CH3COH, इट इज़ अ वीक एसिड, और वीक एसिड में हम डाल दें स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जाम्पल NaOH, ये हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा CH3COONa, साथ में वाटर निकलेगा प्लस H2O, ठीक है। तो दिस इज सोडियम एसीटेट हमारे पास बन गया, सोडियम एसीटेट। अब हमने क्या लिया था, हमारा बेस जो था स्ट्रॉन्ग था, तो जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा, बेसिक और एल्कलाइन, ओवरऑल सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो बेसिक या फिर एल्कलाइन होगा। अब अगर हम एसिड वीक ले लें, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास वीक बेस है,
ये हमने बेस वीक ले लिया, प्लस उसमें हम HCl स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं, तो ये हमने डाल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारे पास बन जाएगा NH4Cl प्लस वाटर, तो ये है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास बन गया अमोनियम क्लोराइड। तो हम हमारे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो हमारा वो होएगा एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है बेसिक है तो मोर देन 7 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे अब हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका पीएच जो है वो क्या होगा, लेस देन 7। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को तुम मिक्स कर रहे हो तो रिजल्टिंग में जो तुम्हारे पास बना है तो उसका पीएच क्या आएगा, तुम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे हो तो तुम्हारे पास जो है क्या बना है सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है एसिड कौन कौन से, अब जैसे टोमेटो है, टोमेटो में हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, टोमेटो में हमारे पास सिट्रिक एसिड है। विनेगर मैंने पहले ही बता दिया, सिरका जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास एसिटिक एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट है टैमरिंड, इमली जो है हमारे पास उसमें हमारे पास टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। कर्ड दही उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड है। ऑरेंज जो है हमारे पास उसमें भी हमारे पास सिट्रिक एसिड है। तो ये आपको पता करना है, याद रखना है कि कौन कौन सा जो फ्रूट है या फिर किस किस में हमें कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हमें हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये एक रिवीजन लेक्चर है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है। तो कलर इन एसिड, कलर इन बेस। तो अगर हमारे पास जो इंडिकेटर है दैट इज़ लिटमस, पहला इंडिकेटर, तो लिटमस का जो एसिड में कलर आता है वो आता है रेड, और बेस में जो उसका कलर आता है दैट इज़ ब्लू। उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ये हम नेक्स्ट आपके जब आप प्लस वन में होंगे तो हम ये यूज़ भी करते हैं लैब में। तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर इन एसिड दैट इज़ पिंकिश रेड, और मिथाइल ऑरेंज का एल्कली में कलर इज़ येलो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंडिकेटर है फिनोल फैथलीन, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करेंगे। फिनोल फैथलीन जो है एसिड में कलरलेस है, और एल्कली में इसका कलर, बेस में इसका कलर जो है वो है पिंक है। तो अभी आपको ये याद करना है, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ये कलर कौन सा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हमारे पास ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल टर्न फिनोल फैथिलीन पिंक, कौन सा सॉल्यूशन फिनोल फैथिलीन को पिंक कर देता है। वन इज HCl, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज KOH, और नेक्स्ट इज DH2SO4। कौन सा है जो फिनोल फैथिलीन को पिंक करेगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो है यहाँ पे हमें देखना है फिनोल फैथिलीन पिंक कलर बेस में होता है, तो वो है हमारे पास KOH, तो राइट आंसर इज KOH। वाह, ठीक है, बेस में इसका पिंक कलर आता है, ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं एक और, जैसे क्वेश्चन है फ्रूट जूस सच एज ऑरेंज जूस कंटेन्स, फ्रूट जूस या ऑरेंज जूस में क्या है। फर्स्ट इज बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। बी सिट्रिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी नाइट्रिक एसिड। तो पहली बात भी सल्फ्यूरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो बोरिक एसिड भी नहीं है, तो इसका आंसर है जी सिट्रिक एसिड। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट हम, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच सॉल्यूशन विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, विच सॉल्यूशन विल चेंज ब्लू लिटमस
टू रेड, ब्लू टू रेड, तो ब्लू टू रेड जो है, ब्लू टू रेड कौन करता है, ब्लू टू रेड करते हैं हमारे पास एसिड्स। तो हमने देखना हमारे पास एसिड क्या है। सबसे पहला हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वास, देन वी हैव H2SO4 एक्वास, देन वी हैव KCl, ये तो सॉल्ट है एक्वास, देन हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वास। तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो ऑप्शन जो हमारे पास बचती है एसिड, तो वो H2SO4 ही है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं